हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्किन केयर। मैं हूँ दराक्षा। आज मैं एक स्क्रब का रिव्यू शेयर करूँगी और ये स्क्रब है न्यूट्रीग्लो नेचुरल बैम्बो चारकोल फेस एंड बॉडी स्क्रब डिटॉक्स एक्टिवेट चारकोल पाउडर एंड पेपर मिंट डीप एक्सफोलिएशन रिमूव ब्लैक हैंड्स। ये इस टाइप का है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है फेस एंड बॉडी स्क्रब है बैम्बो चारकोल, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। फुल डिटेल में इसका यहाँ बैक साइड में मेंशन किया हुआ है। हाउ टू यूज़ करने का प्रोडक्शन दिया है, इंग्रेडिएंट यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे इसका MRP दिया है। ये 300 का है, 300 इसका MRP है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है यहाँ पे दिया हुआ है, 2023 में एक्सपायर करेगा। काफ़ी लॉन्ग टाइम है अभी यूज करने के लिए। नेट वेट है 200 ग्राम, इसमें प्रोडक्ट मिल जाता है। प्रोडक्ट क्वांटिटी बहुत ही अच्छा है इसका। सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल, वेगन प्रोडक्ट है, हार्मफुल केमिकल नहीं है इसमें। इसका फुल इंग्रेडिएंट मेंशन है, एक्टिवेट बैम्बो चारकोल पाउडर, रॉस वेरी सीट ऑयल, चमोली टी ट्री, एलोवेरा एक्सप्रेस, मिंट मुरक्कन, आर्गन ऑयल, सिया बटर, ग्लेशरीन हनी एंड ओट मिल्क, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट हैं। इंग्रेडिएंट बिल्कुल नेचुरल है, कुछ भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें। यहाँ पे यूज करने का डायरेक्शन दिया है, यूज करने के लिए कुछ अलग नहीं है। जैसे आप अदर स्क्रब यूज करते हैं सेम ऐसे ही इसको भी यूज करना है। कुछ अलग से इसमें नहीं लिखा गया है कि कैसे अप्लाई करना है। इसको भी आपको अवॉइड करना है, आइस को, लिप्स को अवॉइड करना है, वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है इसको। बात करते हैं इसकी पैकिंग की, तो पैकिंग मुझे अच्छा लगा। इस टाइप का है, ये टॉप पैकेजिंग है, प्लास्टिक का ही है, ट्रैवल फ्रेंडली है, प्रोडक्ट लीक नहीं करेगा। और ये देखिए प्रोडक्ट किस टाइप का है, इस टाइप का प्रोडक्ट है। मैं इसको यूज कर रही हूँ, करीब 1 मंथ से ऊपर हो चुका है मुझे यूज करते हुए, प्रोडक्ट भी हाफ हो चुका है। ये सबसे अच्छी बात है कि ये फेस एंड बॉडी के लिए है, आपको अलग अलग प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ेगा, वन प्रोडक्ट में आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ अच्छा है, बहुत ही बारीक इसमें दाना है, बहुत तेज नहीं लगता है ये। बात करते हैं इसकी फ्रेगरेंस की, तो फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगता है। बहुत लाइट सा है, ज़्यादा तेज नहीं लगता है, बहुत ही हार्ड नहीं है चीज़। मुझे लाइट खुशबू वाला प्रोडक्ट अच्छा लगता है, ये बिल्कुल भी इरिटेट करने वाला नहीं है चीज़, इसका अच्छा है। इसको यूज कैसे करना है, यूज करना बहुत ही सिंपल है। आप फेस को थोड़ा सा गीला कर लेंगे हल्का पानी से, फिर उसके बाद इसको लेकर हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, फेस में, हैंड में, पैर में, आपको जहाँ पे भी करना है आप इस स्क्रब को यूज कर सकती हैं। बहुत ही बारीक इसमें दाना है, बहुत तेज नहीं लगेगा, ज़्यादा हार्श नहीं लगता, लेकिन फेस पे लाइट हाथ चलाइएगा से ज़्यादा हार्श नहीं करता है, लेकिन फेस पे आपको लाइट हाथ ही चलाना चाहिए, बहुत तेज तेज नहीं रगड़ना चाहिए स्क्रब, कितना भी आपको बारीक ना हो उसमें दाना। लेकिन नोज पे ना थोड़ा सा प्रेशर देकर कीजिएगा, वहाँ पे ब्लैक हैंड्स की प्रॉब्लम हो रहती है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देकर अप्लाई करने से स्किन से ब्लैक हैंड्स अगर है तो निकल जाता है। ये ब्लैक हैंड पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, ये चीज़ अच्छा है इस प्रोडक्ट का, क्लीन कर देता है। अगर आपको ऐसे भी स्क्रब करना बहुत ज़रूरी रहता है, वीक में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। मैं तो 2 टाइम इसको अप्लाई करती हूँ वीक में, अगर आप नहीं कर सकते तो एक बार ज़रूर अप्लाई। बात करते हैं कि स्क्रब क्यों यूज करना चाहिए। स्क्रब इसलिए भी यूज करना बहुत ज़रूरी रहता है स्किन के लिए कि आपकी स्किन पर डेड लेयर हो जाते हैं, डेड स्किन बन जाती है, ड्राई दिखने लगती है, रफ होने लगती है, स्किन पर ग्लो नहीं रहता है, स्किन पर छोटे छोटे दाने भी होने लगते हैं, पिंपल्स होने लगते हैं छोटे छोटे, स्किन ज़्यादा गंदी होने से भी स्किन पे पिंपल्स आने लगते हैं। ऑयली स्किन वालों को धूल मिट्टी चिपकते रहता है स्किन पे, डीप क्लीन नहीं हो पाता है। स्किन को डीप क्लीन करने के लिए स्क्रब यूज करना बहुत ज़रूरी रहता है, वीक में तो एक बार ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्लीन अप करना चाहिए। बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। इस प्रोडक्ट का रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, मेरे स्किन पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। ये स्किन पे ग्लो भी ला देता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ सी लग रही है, ड्राई सी लग रही है, तो आप इसको कर लेंगे तो स्क्रब करने के बाद स्किन पे नेचुरल ग्लो दिखता है आपका,
स्किन से बिल्कुल भी डेड स्किन निकल जाती है, स्किन पे ब्लैक हेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, वाइट हेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब की प्रॉब्लम नहीं रहती है स्किन पे अगर आप यूज करते हैं तो। मुझे ये अच्छा लगा, इसका रिजल्ट भी अच्छा लगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसे मुझे नेचुरीग्लो का प्रोडक्ट सूट करता है, मैं और भी इसका रिव्यू शेयर की हूँ। चारकोल का मैं यूज नहीं की थी, फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ इसका। कॉफ़ी प्रोडक्ट यूज की हूँ नेचुरीग्लो का, उसका मैं रिव्यू शेयर की हूँ। इसका सारे प्रोडक्ट मुझे सूट करते हैं और अच्छे भी लगते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो पैस्चराइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट, आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट यूज करते हैं तो एक बार पैस्चराइज करना चाहिए, उससे पता चल जाता है कि स्किन पे सूट करेगा कि नहीं करेगा। किसी भी तरीके का इचिंग हो रहा है, रैशेज पड़ रहा है तो यूज नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट को, क्योंकि उससे ऐसा हो रहा है तो सूट नहीं करेगा वो प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग लगा, मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहा ये। मैं हाईली रेकमेंड करूँगी आप लोगों को भी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है। मैं इसको परचेज की थी फ्लिपकार्ट से, उसका हॉल वीडियो भी शेयर की हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर। मुझे बहुत अच्छा ऑफ़र में ये मिला था। ये आपको अवेलेबल कहाँ कहाँ पे, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ये आपको नायका पे भी अवेलेबल है, मैं लिंक सभी का दे दूँगी, चेक कर लीजिएगा, आपको जहाँ से सही लगता है आप ले सकते हैं। मुझे तो ये सबसे अच्छा मुझे ऑफ़र लगता है इसका फ्लिपकार्ट से, तो मैं वहीं से परचेज करती हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छा इस पर ऑफ़र रहता है। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में शेयर कीजिएगा। आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। यही है मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।